नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल और नॉन एग्री कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX आज कैसा देखने को मिल सकता है और आगे जाके किस कृषि फसल में हाजिर और वायदा में क्या भाव रह सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसे सीड से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज कैसा सीड का फरवरी वायदा 6600 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6620 का हाई लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा ने 6600 का लेवल टच कर लिया है। आपने जो लेवल दिया था 6500 के बाद 6600 का, आपका वो टारगेट भी आज अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कैसे सीड में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी? देखिए, एक्सपेक्टेड तो है कि मार्केट सस्टेन कर सकता है यहाँ पर, और अगर 6600 के ऊपर एक दो दिन सस्टेन कर जाता है तो ऊपर में 6800 से 7000 का स्तर भी संभव है कि देखने को मिले। एक तेजी का रुझान अब यहाँ से कंटिन्यूशन में बना रह सकता है, क्योंकि देखिए काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार के बाद अब थोड़ा सा उठाव आता हुआ दिखाई दिया है, और अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है मार्केट, तब आपको 6800 से 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्च वायदा में। अभी जो फरवरी वायदा है उसकी एक्सपायरी के बेहद करीब है, लेकिन वही मार्च वायदा की अगर हम बात करें तो मार्च वायदा अभी 6600 के नीचे है, और 6600 के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो आपकी तेजी देखने को मिल सकती है, जो की 6800 से 7000 तक हो सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। कल जो 3000 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, आज 3100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि रूपा जी हम एक फैक्टर ये भी देख रहे हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन कम है, दूसरा जो दूध उत्पादन है वो भी कम है, और बिनौला खल एकमात्र ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे बिनौला खल में शानदार तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो यही है कि बिनौला खल अब यहाँ से वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए करेक्शन ड्यू थी और वो करेक्शन अब मार्केट में आ चुकी है। हम जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 3000 लेवल ब्रेक करेगा तब 2800 तक के नीचे की डाउनसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन 3000 से के आसपास से ही मार्केट को हमने घूमते हुए देखा, 3100 के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं आई और वहां से वापस से मार्केट में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। फरवरी वायदा की एक्सपायरी है, तो मार्च वायदा की बात करें तो वो 3141 के आसपास है, जो कि ऊपर में अब 3200 से 3400 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि नीचे काफी सपोर्ट है और उस सपोर्ट से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 3200 का हमें देखने को मिल सकता है, 3200 के बाद 3400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम इस समय जो ट्रेड करता नजर आ रहा है 11530 पर है, हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। ग्वार सीड के अंदर भी हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। देख रहे हैं कि ग्वार सीड का जो फरवरी वायदा है 6169 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी ग्वार गम फिसलेगा या फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिलती रहेगी आगे तक? देखिए, ग्वारगम में अभी पॉजिटिव ही है, मार्केट फिसलन जो थी वो कल एक्सपेक्टेड थी कि गिर सकता था मार्केट, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक आ चुका है और 11500 के आसपास है। अभी यहां से 12000 से 13000 की तेजी देखने को मिल सकती है अप्रैल मार्च वायदा में, जो कि 11670 के आसपास देखने को मिल रहा है। और वहीं सीट की बात करें तो सीट भी 6300 से लेकर 6400 की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है और यहाँ से एक बार बाजार जो है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कुछ रिकवरी देखने को मिली है। कल से मसालों में थोड़ी बढ़त दर्ज की जा रही है, आज भी देख रहे हैं वो सिलसिला जारी है बढ़त का। देख रहे हैं धनिया का अप्रैल वायदा 10800 पर है, जीरे की बात करें तो जीरे का मार्च वायदा 20845 पर ट्रेड करता नजर आ चुका है और 21200 का हाई भी लगा चुका है। लेकिन रूपा जी यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिली है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जीरे में मुनाफा वसूली बन सकती है क्या? देखिए, हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बन सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी भी जिस तरीके की रैली देखने को मिली है, जीरे में 21200 के पार निकल चुका है। अब यहाँ से अखिलेश काफी पॉजिटिव और मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा बहुत देखिए करेक्शन आ सकता है 20000 तक, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और ऊपर में 21500 से 22000 का टारगेट अब यहाँ से देखने को मिल सकता है। जी, इनसे बात करें रूपा जी अगर हल्दी की, तो हल्दी में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल्दी में
तेजी तो बनी थी, लेकिन तेजी के बाद करेक्शन भी बनी और फिर से रिकवरी बनती नजर आ रही है। अब 10,000 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आधे फीसदी की गिरावट ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हल्दी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि हल्दी को तेजी की ओर लेके जाएं? देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल अभी तेजी में ही है। मसालों के सभी मसालों में आप देखिए एक अच्छा खासा अब तक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और हम लगातार यही बताते आ रहे हैं कि ये जो साल है मसालों के लिए अच्छा रह सकता है। और उसी के चलते अभी धनिया भी आप देखिए वो भी 10,000 के ऊपर सस्टेन है, तो काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी एक्सपोर्ट डिमांड और पिकअप होंगे तो और ज्यादा तेजी बाजारों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल हल्दी की जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है अखिलेश, वो नीचे में 8800, तो ऊपर में जो अगर मार्केट यहाँ से तेजी पकड़ते हैं तो 12,000 तक की तेजी पकड़ सकता है। तो यानी कि अभी करेक्शन भी आ सकती है, वही करेक्शन के अंदर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। इन लेवल्स पर बाइंग थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 12,000 तक ऊपर हल्दी भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज धनिया के अंदर भी रुझान पॉजिटिव है, और धनिया भी 12,000 से 13,000 की स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर, जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में पहले से और ज्यादा तेजी बनती नजर आ चुकी है। यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं 1570 के भी ऊपर जा चुका है, कल को 1560 के आसपास था 1568 पर, लेकिन आज देख रहे हैं कि $1570 के भी पार जा चुका है। इस वक्त $1576 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, विदेशों में सोयाबीन तेज है, हमने अब कल के कारोबारी सत्र में NCDX पर भी सोयाबीन में 6600 का लेवल आते हुए देखा था फरवरी वायदे में, मार्च वायदे ने 6700 के ऊपर का लेवल दिखा दिया था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये संकेत है, क्या ये इशारा है कि आगे सोयाबीन में यहाँ से अब 6900 या 7000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी तेजी का रुझान जो है वो बना हुआ है, और विदेशी बाजार जिस तरीके से अब तक मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, और ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। और अभी सोयाबीन के अंदर क्योंकि फंडामेंटल तो काफी सपोर्टिव है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उतना उछाल नहीं आ रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी मुझे लगता है कि आगे चलकर हो सकता है आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगे और उसके बाद जो है तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि विदेशी बाजारों का असर डोमेस्टिक मार्केट पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल बासमती राइस को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं बासमती राइस में अभी क्या करें? देखिए, राइस में भी तेजी नहीं है अखिलेश, अभी मुझे लगता है कि राइस जो है वो काफी सुस्त है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे निकल सकती है, जो निर्यात के सौदे एक्सपेक्टेड थे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और जो पीछे तेजी आई थी वो थमती नजर आई है, और अब बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल राइस में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल चने को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं चने में क्या करें? देखिए, दालों में बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, दालों में भी फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि दालों में भी दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिफाइंड सोया तेल और कच्चे पाम तेल में खरीदारी में रहा जा सकता है? रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और कच्चे पाम तेल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिफाइंड सोया और सीपीओ में खरीदारी में रहा जा सकता है? देखिए, छुटमुट खरीदारी आप निचले स्तरों पर कर चल सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा तेलों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगी आज के लिए आप, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अखिलेश, इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में कैस्टर सीड अच्छा लग रहा है, कैस्टर सीड में बाइंग किया जा सकता है, और इसके साथ मसालों में एक अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मसालों में करेक्शन पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक हैं जुड़े हुए दीपक यादव जी, जिनका सवाल जिंजर को लेकर आ रहा है, जिंजर का रेट क्या रहेगा? दीपक जी, अभी तो हाल फिलहाल में जो जिंजर चल रही है वो 40 रुपये किलो के आसपास मिल रही है बाज़ारों में उपभोक्ताओं को। उत्पादन ज़्यादा रहा है इस बार जिंजर का, जिसकी वजह से जो रेट हैं वो थोड़े कम ही देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे जो बाज़ार है वो थोड़ा मंदा ही देखने को मिलता रहे। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट कि आज के कारोबारी सत्र में सुबह में कम्युनिटी बाज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है, और उस पर रूपा मेहते की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाज़ारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एम्स टीवी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस,
खुशियों की अपनी दुकान।